मेरा नाम शिखा वर्मा है। बाय पैशन मैं एक एटॉमियन हूँ, एक प्राउड एटॉमियन हूँ, क्योंकि शायद जब से मैंने एटॉमी को करना शुरू किया है और आज की डेट में भी वही कंसिस्टेंसी, वही परसिस्टेंसी और उसी जिद के साथ मैं कर रही हूँ। तो आप सभी लोगों जिन्होंने मुझे शुरुआत से देखा है वो जानते हैं कि शिखा वर्मा तभी भी उसी एकदम एनर्जी के साथ थे और आज भी उसी एनर्जी के साथ है। बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते गए, बहुत सारी हम लोग को बारीकियां पता चलती गई, बहुत सारे लेसन्स हम लोगों को मिले, कई बार डिमोटिवेशन भी हुआ। लेकिन एटमी को अगर हम लोग सही मायने में समझ पाए ना, तो एटमी अपने आप में एक मोटिवेशनल बुक है कि अगर आप इसके पन्नों को धीरे धीरे पलटते जाते हैं ना, तो आपको किसी भी अदर मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सभी लोगों को दिल से स्वागत है इस सेशन में और उम्मीद है कि आप जिस उम्मीद से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो आपकी उम्मीद पूरी तरह से फुलफिल कर पाऊंगी। सेशन में हो सकता है, क्योंकि सेशन ही इस तरीके का आज मैंने सेलेक्ट किया है कंट्रोवर्सी वाला, तो हो सकता है कि सेशन के बीच में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको शायद लगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा लगे कि नहीं शायद ये गलत है। तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि मेरे सेशंस ट्रूली बेस्ड होते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे। व्हाट एवर द एक्सपीरियंस आई हैव लर्न फ्रॉम माय अर्लियर, जो भी मैंने अपनी, चाहे वो टीचिंग की लाइफ हो या मेरी एटमी की लाइफ हो, नेटवर्किंग तो नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एटमी ही मेरा एक पर्सन लास्ट प्लेटफॉर्म है जो मुझे मिला है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एटमी ही मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग का मिला। तो मेरा ये जो एटमी की जर्नी का एक्सपीरियंस है ये उसी पे बेस्ड है। तो कैसे हम बहुत सारी चीजों को डील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मोटिवेशन आपको अगर कुछ हद तक एक स्मॉल टाइम में अगर मोटिवेट कर रहा है तो वो सही मायने में मोटिवेशन नहीं है। वो सिर्फ एक इमोशंस है जो सिर्फ एक सेशन के दौरान आपके साथ रहते हैं, सेशन खत्म इमोशन खत्म वाली बात होती है। बट अगर आप किसी चीज को लेकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हुई आपकी जो भी गलतियां होती हैं उससे अगर आप सीखते हैं और सीखते हुए अपनी गलतियों को सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि अगर आप गलतियों को मानेंगे तभी आप गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप सही मायने में मोटिवेट होते हैं, चाहे वो किसी सेशन से हो, किसी पर्सन से मिल करके हो, या आप खुद से हैं। मैं कभी किसी से डीमोटिवेट नहीं हुई हूं और मैं कभी किसी से मोटिवेट नहीं हूं। मैं अपने आप के लिए ही एक चैलेंज हूं। मैं हमेशा मेरे सेशंस में कहती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग मेरा जो फर्स्ट काम होता है वो शीशे में अपने आप को देखना होता है और एक ब्लेसिंग देनी होती है, यस शिखा वर्मा टुडे इज योर डे। और शाम के टाइम जब मैं अपने बेड पर जाती हूँ, उस समय जब मैं एक बार अपने लेग्स वॉश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और बेड पे जाने के जस्ट पहले एक बार मैं मिरर जरूर देखती हूँ और उस दिन की रिपोर्टिंग मैं अपने आप को करती हूँ कि आज का दिन आपका कैसा रहा। मैं खुद में ही जवाब होती हूँ। अगर मैंने उस दिन कुछ किया होता है तो स्माइल आती है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया होता है तो ये होता है कि नेक्स्ट डे आई विल डू इट बेटर देन माई यस्टरडे। अगर हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें हो रही है ना, दैट मीन्स कि हम एक प्रोग्रेसिव वे पे हैं और प्रोडक्शन अपने आप होगा, प्रोडक्टिव वे अपने आप निकलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें शायद लगता है कभी कभी हम थक जाते हैं, कुछ चीजों से हम हार भी जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें निगोशिएट कर रही हैं। हम अपने आप में ही अगर देखें ना, तो हम अपने आप में ही एक चैलेंज हो जाते हैं। एक दिन मतलब कहा जाए तो खुद को ही हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। बट यस, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को समझ पा रहे हैं। आप ऑफिस में हैं, वर्किंग फेज में हैं, आपके पास प्रेशर है, आपका बॉस या आपके जो भी सीनियर्स हैं वो आपको मतलब ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आपका कोई भी सीनियर आप पर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है, जो कि नॉर्मली होता है,
आप उसकी बातों को अवॉइड भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार आपको पोक करते रहता है उसी चीज के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपकी विचारधारा सामने वाले की विचारधारा से मैच करती रहे। हो सकता है आज के इस सेशन में भी बहुत सारे लोग मेरी बहुत सारी बातों से तकल्लुफ नहीं रखते हैं, उन्हें ये लगता हो कि ऐसा नहीं हो। तो आप सारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन से जितनी भी अच्छी चीजें मिले उन्हें नोट करें, लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि सेशन में कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए नहीं सही है, उसे इसी सेशन में साइड में रख के चले जाएंगे, आगे लेकर के नहीं जाएंगे। तो विचारधाराओं की बात हो रही थी कि जरूरी नहीं है कि हर किसी की विचारधारा एक दूसरे से मैच करती हो। कारण है कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, वो भी अपना अलग अलग तजुर्बा रखते हैं। हर कोई के अलग हालात होते हैं, अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग माइंडसेट होते हैं सबके। और इन सारी परिस्थितियों में क्या होता है ना कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। कोई एक बात पे एग्री करता है, उसी बात पे दूसरा वाला डिसएग्री हो जाता है। हर समय हमारे हिसाब से परिस्थितियां हो, ये भी जरूरी तो नहीं है, और हर समय हमारे प्रतिकूल हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो जब परिस्थितियां अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, उस समय हमें अपने आप को कैसे डील करना है। अलग अलग तरह के लोग भी मिलते रहेंगे, हम चाहें या ना चाहें हमें उन सभी लोगों से डील भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका नियति है और हमारी नियति है। क्योंकि हम उस प्रकृति में रह रहे हैं, उस समाज में रह रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों से बच भी नहीं सकते, सामना तो करना पड़ेगा। तो इन सारे लोगों से हम डील कैसे करें, और वी विल ऑल हैव, हर किसी को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। वी ऑल विल हैव टू फेस द पीपल, वी ऑल विल हैव टू फेस ऑल काइंड ऑफ पीपल, जहाँ अलग अलग तरह के लोग होंगे, विचारों का मतभेद होगा, नेगेटिविटी होगी, शिकायतें भी होंगी और आलोचनाएं भी होंगी। और आज के सेशन को अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आप इन नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो मेरा वादा है कि अगर आपने सेशन को पूरा अंत तक सुना तो आप इन सारे तरह के नेगेटिविटीज को कोप अप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब आपने इतनी तो स्टेमिना आ ही जाएगी कि किसी भी तरह का नेगेटिव अलाइनमेंट आपके साथ हो रहा है तो आप उससे डील कर सकते हैं। कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं अभी। और नेगेटिव थॉट्स को अगर हम देखा, ये कहें कि ये परिस्थितियां जो हैं, अगर हम इससे निकल गए, पार हो गए, तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस कहीं भी नहीं गए, आपसे सक्सेस बिल्कुल भी दूर नहीं है। हो सकता है कुछ समय लग जाए आपको सक्सेस तक पहुंचने में, पर नहीं मिलेगी सक्सेस, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू डील विथ दीज नेगेटिविटीज एंड द क्रिटिसिज्म। सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे इस सेशन में। मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने सेशन हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल्स। अगर आपके पास आसपास में 50 चेहरे हैं तो उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो स्माइल करते हुए होंगे, बाकी के 40 लोग आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। कोई किसी चीज से परेशान, कोई किसी चीज से परेशान। सुबह सुबह आप ऑफिस में जाते हैं, मैं स्कूल में जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर मेरी क्लास में जा रही हूँ, जो भी सब्जेक्ट अगर मैं ले रही हूँ, वो सब्जेक्ट मेरा प्रॉपर नहीं हो रहा और मेरा विजिलेंस हो जाता है क्लास में, और बाय चांस मेरे मैनेजमेंट को वो प्रॉपर चीज नहीं दिखती है। या आप अगर अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं और वो प्रेजेंटेशन आपके बॉस या आपका जो भी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से सही नहीं उतरता है, तो क्या होता है, मैनेजमेंट का पूरा गुस्सा आपके ऊपर, मेरे प्रिंसिपल का पूरा गुस्सा मेरे ऊपर। इट डजंट मीन, इसका ये कभी मतलब नहीं होता है कि आप गलत हो। इट्स नॉट अबाउट यू। जो गुस्सा उसने निकाला, जो गुस्सा मैनेजमेंट ने निकाला है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर ओनली वन ऑफ योर वर्क और एटीट्यूड। ध्यान दीजिएगा कि
कि जो भी हम लोग काम करते हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो उस पे मिली हुई जो भी बातें होती हैं, जो भी टॉन्ट्स होते हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो भी प्लॉन्ट्स होते हैं, वो सारे सिर्फ उस फेज के लिए होते हैं जो आपसे गलत हुआ। पर नॉर्मली क्या होता है, हम सिर्फ एक मुद्दे के लिए पूरी की पूरी दहिया उखाड़ देते हैं। कहते हैं ना कि बात एक चीज से शुरू होती है और हम उसे कहाँ कहाँ से जोड़ लेते हैं। जैसे दो पीपल में अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा हो एट द सेम टाइम कि दोनों की गाड़ियां अगर टकरा गई और दोनों बाई चांस एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे से पूरी तरह से बिल्कुल एग्री नहीं होते हो, मतलब जानी दुश्मन हो अगर, तो वो शुरुआत तो ये होगी कि तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, मैंने तेरी गाड़ी ठोक दी इस बात से। लेकिन उसके बाद हो जाता है कि तेरे पापा ने ये किया, तेरे गांव वालों ने ये किया, तेरे खान, वो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। ऐसे ही हम लोगों के ऑफिस में, हम जहाँ पे भी, जिस भी हम वर्क प्रोफाइल पे काम करते हैं, मान लीजिए अगर मैं कोई यूट्यूब का सेशन ही बना रही हूँ और वो सेशन मेरा फेल हो जाता है, मुझे उस पे लाइक्स नहीं मिलते हैं, मुझे उस पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, डजंट मीन कि मैं यूजलेस हूँ। इट ओनली मीन्स कि मेरा वो एफर्ट उस वीडियो के लिए कामयाब नहीं हुआ। बात समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ये गलतियां हम लोग भी करते हैं। इवन मैं खुद ये गलतियां बहुत बार करती हूँ। कई बार होता है कि जैसे अगर हम लोग खाना ही बनाने लगते हैं और सब्जी अगर खराब हो जाए तो सामने से सुनने मिलता है ऐसा ही बनता है, खाना ही नहीं बनाने आता। तो इट डजंट मीन, ये सिर्फ वो है कि क्योंकि आज आपसे वो चीज खराब हुई है, आज आपका प्रेजेंटेशन खराब हुआ, आज आपका वीडियो खराब हुआ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम पूरे के पूरे खराब हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, या जो भी हमारे ऊपर वो गुस्सा निकालता है ना, वो उस पूरी बात की बख्तियां उखेड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 100 में से 99 केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपके बारे में नेगेटिव बात अगर बोली जाती है या नेगेटिव कमेंट अगर किया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि सिर्फ आपके उस एक काम जो कि आपने गलत किया है ना, उसकी वजह से। और इसके बाद पूरी की पूरी जो भी हमने राई का पहाड़ बनाया होता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा दिन, इवन अगर आप एक मतलब सिंपल माइंडेड हैं, तो आप अपने बारे में उससे ज्यादा एडेड ऑन कर लेते हैं। अगर उसने बोला कि तुमने ये काम सही से नहीं किया, फला फला, अगर आपको बहुत सारी चीजें सुना दी गई, आप एडिशनल उसमें सोच लेते हो, मैं तो हूं ही खराब, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं, इस धरती पे बोझ हूं, और जाने क्या क्या हम लोग सोच लेते हैं। और उसके बाद हम अपना वो दिन तो खराब करते ही हैं, आगे वाले कई दिन खराब कर लेते हैं सिर्फ उस एक वाक्य से। जबकि हमें क्या करना चाहिए था, अगर हमारी वहां पर कुछ भी गलती थी तो उसे सुधार लेना चाहिए था, और अगर नहीं थी तो शांति से सुन करके बाद में रिएक्ट करना चाहिए था। बट हम क्या करते हैं, ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। और अपने आप को जब हम एक बार बेकार घोषित कर ले, ध्यान दीजिएगा, अगर सामने वाला आपको कहता है ना कि आप बेकार हो, यूजलेस हो, तो शायद एक बार को आप नहीं भी मानोगे, क्योंकि कई बार कही हुई चीज आदमी दिमाग में घर कर जाती है। लेकिन आप सही मायने में यूजलेस तब होते हो जब आप ये स्वीकार कर लेते हो, मैं ही खराब हूं। कभी भी अपने सामने वाला अगर इतना फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें हम लोग। सेकेंड द थिंग, इवैल्यूएट। जब भी कभी ऐसी बातें हो ना, कभी ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे को डांट पड़ गई, मेरा प्रेजेंटेशन बिगड़ गया, मेरा वीडियो खराब हो गया, या कुछ भी ऐसा हुआ हो आपके साथ, आप उस पर रिएक्ट ना करें, बल्कि उस चीज को इवैल्यूएट करें। जिस चीज के बारे में आपको नेगेटिव थॉट्स मिले हैं ना, नेगेटिव फीलिंग्स मिली है, नेगेटिव इमोशंस मिले हैं, उस चीज के लिए आप एनालिसिस करिए, इवैल्यूएट करिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, उस पर तुरंत रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नॉर्मली ऐसा हम लोग कर देते हैं, इवन कई बार मैं भी इस चीज पे रिएक्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही होते हैं। बट कई बार होता है कि गुस्से में हम अपने बातों पर काबू नहीं रख पाते हैं, और हम वो बात भी बोल देते हैं जो शायद हमें खुद ही बाद में पछतावा होता है।
लेकिन कहते हैं ना, जबान से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। तो बेटर है कि अगर आपको किसी की कोई भी बात बुरी लगती है तो शांत दिमाग से उस पर एनालिसिस करिए, उसको इवैल्यूएट करिए कि वो आलोचना किस लिए दी गई थी। कई बार जवाब देना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देते हैं ना तो सामने वाला और ज्यादा डोमिनेट होने की कोशिश करता है। जवाब दीजिए लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ी देर साइड हो लीजिए, ठंडा पानी पीजिए एक गिलास, और उसके बाद मस्त एक अपना जो भी फेवरेट गाना हो या जिस चीज से भी आपका दिमाग रिलैक्स होता है ना उसको सुनिए, एंड देन एक बढ़िया सा जवाब जो कि पॉजिटिवली हो, ऐसा ना हो कि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही हम लोग देते जाए। फिर देखिए उस बात का असर भी सामने वाले पे पड़ेगा, उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा और शायद वो अपनी गलती का पश्चाताप भी करेगा, और अगर वो ईगोइश नहीं होगा तो सॉरी भी बोलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमीडिएट रिस्पॉन्स कर देते हैं तो बात बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझ के पोक करते हैं, बार बार लगातार आपकी गलती है नहीं है, वो एक ही चीज को रेपिटेटिव रेपिटेटिव, वहां पर आपको जवाब देना जरूरी भी होता है। कई बार हमारी चुप्पी सामने वाले को ये शो कराती है कि हमें नॉलेज ही नहीं, तो ऐसी भी चीजें अवॉइड होनी चाहिए। अपनी लाइफ का एक मेजरमेंट हम लोगों को खुद ही तैयार करनी। डोंट टेक एवरी क्रिटिसिज्म ऑन इट्स फेस वैल्यू, इवैल्यूएट द क्रिटिसिज्म। हमेशा दिमाग में ये चीज रखिएगा कि किसी भी चीज की फेस वैल्यू से वो मेरे बारे में गलत सोचता है, ये सोच करके हर बार हम उससे लड़ने के लिए तैयार ना हो। बेटर है उसने जिस बात पर ये रिएक्ट किया था उस चीज को हम इवैल्यूएट करें एंड देन रिएक्शन दें। एक्ट होना चाहिए, रिएक्ट, एक्शन विथ रिएक्शन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा इवैल्यूएशन के बाद, तो उस चीज का नजारा ही कुछ अलग होगा। डोंट रिएक्ट, लर्न टू रिस्पॉन्ड। कभी भी, जैसे अभी मैंने रिसेंटली बोला कि हमें तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, कब करें फिर हम रिस्पॉन्ड? दिमाग में ये आता है कि बात तो अभी हुई है ना, पर रिएक्ट हम बाद में क्यों करें? तो जैसे मैंने बताया कि दिमाग को हमें थोड़ा सा शांत करना चाहिए, अगर आपको उसी समय उस बात के जवाब देने की जरूरत नहीं लगती है तो मत दीजिए, लेकिन सिंपली थोड़ा सा स्माइल पास कीजिए। अगर आप उस पेशेंस लेवल पर हैं तो एक छोटी सी स्माइल पास कीजिए एंड देन गिव अ थैंक्स। सिंपली बोलिए थैंक यू फॉर द वैल्यू एडिशन। ये ध्यान रखिएगा, पेशेंस इज अ वर्च्यू, धैर्य एक कमाल का गुण है। अगर ये चीज हमारे पास है ना, ये धीरे धीरे आ जाता है। जब कई बार होता है ना कि हम लोग जब एक लर्निंग फेज में होते हैं ना, इनिशियल फेज में होते हैं, तो शायद इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, मैं भी करती थी, बट जैसे जैसे हम लोग उस चीज में मच्योर होते जाते हैं ना, ये सारी चीजें हम डील करना शुरू कर देते हैं। देन होता है कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इट्स अ स्लाइट डिफरेंट थिंग। रिएक्शन मतलब आपने कुछ बोला और सामने वाले को आपने फटाफट जवाब दे दिया, बात जो थी वो बढ़ती गई और शायद एक धागा था जो कहीं ना कहीं टूट जाता। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि आपने उनकी बातों का सोच समझ के इवैल्यूएशन के साथ जवाब दिया, तो सामने वाले को क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो डेफिनेटली ही विल अपोलोजाइज। जब हमें कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है ना, बहुत बुरा लगता है, मेरे को तो बहुत लगता है, इंसान बहुत इमोशनल भी हो जाता है कई बार, और दिमाग में सिर्फ यही आता है ऐसे कैसे कह दिया। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, वो ये कहता है कि उस समय मैं सिर्फ, हाँ पहले मैं भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे सोशल लोगों के साथ, मतलब सोशल मीडिया के लोगों के साथ और डिफरेंट डिफरेंट
नेचर के लोगों के साथ, डिफरेंट टाइप के बिजनेस के लोगों के साथ, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ जब काम करना मैंने शुरू किया तो लगा कि हर बार रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कुछ ईगोइश प्रकृति के होते हैं, कुछ नासमझ होते हैं, कुछ इनोसेंट होते हैं। तो हर जगह रिएक्शन से बात नहीं बनती है, इवैल्यूएशन वहां पर काफी होता है। पॉज बिफोर आंसरिंग, हमेशा अपने आप को पॉज लीजिए। अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंसते हैं तो ऑलवेज टेक अ स्मॉल पॉज, थोड़ा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, ट्रैफिक सिग्नल बन जाइए वहां पर, रुकिए, ठहरिए और फिर आगे बढ़िए। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल को भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना तो बड़ा ही फायदा होता है। अपने आप को कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब सामने से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हो ना तो सिर्फ एक थ्योरी काम करती है, एंड द थ्योरी इज थ्योरी ऑफ गार्बेज ट्रक। कोई इसे सेल्फ पर नहीं लेगा, इट्स ओनली अ थ्योरिटिकल प्रोपोर्शन फॉर एन एग्जाम्पल। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, सभी लोगों को, इवन हम सभी लोगों को समझाने के लिए कि क्या होता है जब एक ट्रक, कूड़े वाला जो ट्रक होता है वो जगह जगह से, गली मोहल्लों से कूड़े को कलेक्ट करता जाता है, इधर से भी कुछ कचरा इकट्ठा करता है, उधर से भी कचरा इकट्ठा करता है। और एक समय आता है कि जब वो कचरे का जो ट्रक होता है ना इतना ज्यादा भर जाता है कि एक झटका सा भी ब्रेक लगता है ना तो पूरा का पूरा उसमें जो ओवर डंप प्रोडक्ट था ना वो नीचे गिर जाता। बट अगर वो सही तरीके से जाए तो वो अपने प्रॉपर जगह पे जाकर के उस कूड़े के ढेर को लैंडफिल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वेरी यूजफुल फॉर अस। जमीन को भरने के लिए वहां पर उसकी जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, इस तरह से शहरों से दूर वो सारे कूड़े कचरे के ढेरों को लेकर के जाया जाता है। अब यहाँ पे मैटर क्या करता है, थ्योरी ऑफ गार्बेज ट्रक समझाने का क्या मतलब होता है कि कई बार हम लोगों को ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग मिलते हैं जो भरे पड़े होते हैं। हो सकता है उनके घर की कोई प्रॉब्लम हो, सकता है उनके ऑफिस की कोई प्रॉब्लम हो, सकता है कोई उनका बेटा बेटी उनकी बात नहीं सुन रहा हो, सकता है उनका कोई बेटा बहू बेटी दामाद हो, या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनसे वो नहीं डील कर पा रहे हों। तो वहां पर क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड पॉल करके, उन्होंने ही ये थ्योरी बताई थी। उनको किसी टैक्सी ड्राइवर ने, कभी वो ट्रैवल कर रहे थे तो एक टैक्सी ड्राइवर ने उनको ये थ्योरी ऑफ गार्बेज ट्रक बताया था कि इसी तरीके से होता है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग उसी ट्रक की तरह होते हैं, फुली लोडेड होते हैं फ्रस्ट्रेशन से, एंड देन आप अचानक आ जाते हो उस स्पीड ब्रेकर की तरह जो उस गार्बेज ट्रक के सामने आ गया और उसका जो हैवी लोडेड पोर्शन था गिर गया, और ये आप वही स्पीड ब्रेकर बन गए जो वो फ्रस्ट्रेशन थी वो फुली लोडेड थी, आप सामने आ गए और उस फ्रस्ट्रेशन का आधा से अधिक हिस्सा आपके ऊपर आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि आधा से अधिक हिस्सा आया तो आप उसे किस तरह से डील करते थे, तो सामने वाले की थिंकिंग हो गई, उसने तो अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। जैसे कि आप किसी से अनबनी हुई, कोई स्ट्रेस हो गया, कोई फ्रस्ट्रेशन हुआ, कोई परेशान हो, और कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग भी हैं, बींग अ मदर भी अगर मैं बात करूं तो कई बार होता है कि स्कूल की कोई टेंशन होती है, इवन फैमिली की कुछ चीजें होती हैं, कई बार बजट्स को लेकर के कॉम्प्रोमाइज जो हम लोग कहते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, अनजाने खर्चे जो है अचानक से, तो कई बार दिमाग जो होता है ना बिल्कुल स्ट्रेस होता है, एंड देन आपका छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है एंड कुछ ऐसी डिमांड्स जो शायद कोई ज्यादा भारी नहीं होती है, लेकिन आप क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड थे ना तो हम अपना सारा का सारा गुस्सा उस बच्चे पर निकाल देते हैं, एंड देन बाद में रियलाइज भी करते हैं नहीं बोलना चाहिए था, एंड देन जाकर उस बच्चे को प्यार भी करते हैं, बिकॉज वी रियलाइज दैट इट्स आर मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक थी क्योंकि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल गया था। तो इट्स दैट सिचुएशन इज जस्ट लाइक दैट गार्बेज ट्रक, कि वो स्पीड ब्रेकर आया एंड देन सडनली आप ही सामने थे और वो सारा ओवर डंप जो गार्बेज था वो आपके ऊपर आया, वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी वो आपके ऊपर आ गई,
समटाइम इट हैपेंस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चाहे ना चाहे अपनी गलतियों को माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि शायद हमारा दिन ही खराब हो, हमारा लक ही खराब हो, और उस दिन उस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन के सामने मैं ही आ गई सबसे पहले। क्योंकि मेरे से पहले अगर कोई आया होता तो वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो चुकी होती, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज पर अंडरडब्ड हो चुका होता। बट मेरा दिन खराब था, मेरा लक खराब था, मेरे जो भी स्टार्स थे वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, तो मैं उसके सामने गई और वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे कोप करना। ऐसी जगह पे हमें क्या करना चाहिए? लेट इट बी। अगर आप सही हैं तो अगेन इवैल्यूएट करिए, क्या आपके ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन निकाली, उस फ्रस्ट्रेशन का आपकी जो सिचुएशन थी उससे जरा सा भी कोई मतलब था? अगर था और आप गलत थे तो सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए, लेकिन अगर उससे जरा सा भी कुछ भी लेना देना नहीं था, आप सिर्फ फंस गए हैं वहां पर, तो इग्नोर कर दी। बी हम्बल, शो योर काइंडनेस एंड देन फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड देन स्मूथली मूव ऑन फ्रॉम देयर। बहुत मुश्किल है करना, लेकिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं ना, तो अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं। बाय थिंकिंग थ्योरी ऑफ गार्बेज ट्रक, हमेशा जब भी ऐसी जो भी मुश्किलें अगर आए ना, तो एक बार उस सोच लीजिएगा, हो सकता है आपके सामने वाला उसी ट्रक की तरह हो और आप सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर थे। एंड देन फॉरगिव, भूल जाइए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, अगर आपकी गलतियां थी, अगर आपको जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ा था, आपने गलती करी थी, तो अपनी गलतियों को सुधारिए, स्वीकार करिए, बी ए स्ट्रांग स्ट्रांग ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि अपनी गलतियों पे जब हम सुधारते हैं ना, और सुधारेंगे कब? जब हम स्वीकारेंगे। हम जानते हैं कि हम गलत हैं ना, फिर भी हम लोग नहीं मानते, हम आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम चुप रह गए तो सामने वाला हमें बुद्धू समझेगा, सामने वाला कहीं हम पर हावी ना हो जाए। ये बहुत बड़ी गलती है। और जो लोग अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, उनसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं होता। अगर आप थोड़ी सी चुप्पी वहां पर रख जाते हैं, अगर वाकई आप सही हैं, तो आप सिर्फ चुप रह जाइए थोड़ी देर के लिए, अगले को खुद ही अपनी गलती का रियलाइज हो जाएगा, अगर वो समझदार है थोड़ा बहुत भी, तो अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी गलतियों को सुधारे, बहुत बार जिंदगी में आपको सुधारने का मौका मिलता है। मेनी टाइम्स इन लाइफ वी विल गेट अ चांस टू इम्प्रूव, ग्रोथ के लिए। अपनी लाइफ में हम लोग सभी लोगों को मौके मिलते हैं, और अगर हमने उन मौके का फायदा उठा लिया तो हम ग्रो कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें कोई नेगेटिव बोल रहा हो या नहीं। एवरी टाइम सिंगल नेगेटिव कमेंट, सिंगल नेगेटिव थॉट, सिंगल नेगेटिव फीलिंग्स गिव अस अ ब्रेवरी। वो हमें और मजबूती प्रोवाइड करता है, बिकॉज उस जगह पे ना आप उसे अपने लिए कमिटमेंट के तौर पर लेते हैं, आप उसे चैलेंज लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैं कह रही थी वो सही था। मैं नहीं बोलूंगी, मेरा काम बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगी, मैं जो कर रही हूँ ना उसमें मेरी प्रोग्रेस बोलेगी। एंड देन यू विल डेफिनेटली रियलाइज वन डे दैट शी वॉज राइट। बहस करेंगे, सिंपली बातें बिगड़ जाती। नॉर्मली ऐसा होता है। पॉजिटिव हैंड्स, जैसे कई बार होता है ना कि अगर हमने लाइफ में कुछ भी अचीव किया, जो कुछ भी मैंने अचीव किया है, उसके लिए कई बार होता है ना, मैंने ये नोटिस किया है कि जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज एवरी टाइम दे पोक मी एंड दे गिव मी अ स्ट्रेंथ टू ब्रेक थ्रू। उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने आप पर ही काम करूं और आगे बढ़ती जाऊं। कई बार वो फैमिली भी होती है, कई बार वो बाहर वाले भी होते हैं, कई बार आपके मेंटर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है,
बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं। मुझे ये नहीं प्रूव करना होता है कि वो गलत है, मुझे ये प्रूव करना होता है कि मैं सही। क्योंकि अगर हम सामने वाले को गलत प्रूव करने पे आ जाए ना, तो फिर हमारा पतन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन बेटर है हम वहां पर काम करें, हम अपने आप को सही प्रूव करें, देन क्या होगा, हम सिर्फ अपने तरक्की के बारे में सोचेंगे। और जब हम तरक्की करते जाएंगे ना, तो दूसरे की हम नेगेटिविटी को देखेंगे ही, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो खुद ही लेट डाउन हो जाए, या खुद ही गिल्टी हो जाए, या खुद ही रिग्रेट हो जाए। तो ये जो चीजें होती है ना, बेटर है नेगेटिविटी अगर आपके सामने आ रही है, अगर आपके सामने वाले की नीयत साफ है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ना कि सामने वाले जो भी बोल रहे हैं वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, उसमें उनका कोई भी हित नहीं है, वो मेरे लिए बोल रहे हैं, उनकी नीयत साफ है। ऐसे लोगों को हम आलोचक कहते हैं, क्रिटिसाइजर या क्रिटिक्स। कंप्लेनर्स और क्रिटिक्स में बहुत फर्क होता है। क्रिटिक्स जो होते हैं आपकी गलतियों को बताते हैं और उससे सुधारने का भी मौका देते हैं, सुधारने के लिए भी आपको रास्ता बताते हैं। अगर आपका कोई बिलवड वन, चाहे आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, या आपके पीयर ग्रुप का हो, या कोई भी हो, अगर आपको आपकी गलती बता रहा है ना, शिखाज तुमने ये गलत किया, इसको ऐसे के बजाय ऐसे बोला गया होता ना, तो शायद बेटर होता है। ही और शी विल बी अ क्रिटिक फॉर मी, क्योंकि उसने मुझे रास्ता भी बताया। बट एक पर्सन होता, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुझे वैसे नहीं करना, वो ये नहीं बता रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। ही ऑलवेज पोक मी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तुझे वैसे नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्रिटिक्स के साथ मिलकर के नेगेटिव कमेंट्स आर ब्लेसिंग फॉर डिस्गाइज। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए वरदान भी होते हैं, छुपा हुआ वरदान होते हैं। बट अगर ये नेगेटिव कमेंट्स आपको हर समय उस व्यक्ति की तरफ से आ रहे हैं ना, तो उस व्यक्ति को दूर से ही जैसी आराम कहेंगे और साइड हो जाएंगे, नहीं जरूरत है ऐसे व्यक्ति की। क्योंकि इतनी भी नेगेटिविटी हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम अपनी खुद की पॉजिटिविटी हो दे। तो बेटर है वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड बिटवीन कंप्लेनर्स वर्सेस क्रिटिक्स। अवॉइड प्रोफेशनल कंप्लेनर्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट कंप्लेनर्स, जो कंप्लेन करते रहते हैं एक के लिए दूसरे के लिए। आपने एक सही किया, दूसरा कंप्लेन, तीसरा कंप्लेन, चौथा, उसको कभी आपकी अच्छाइयां दिखेगी ही नहीं। ऑलवेज शाउट। कोई भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में भी हो। ये ऐसे लोग हमें हर जगह मिलते हैं, आपने ऐसे नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, आपको यहाँ ये करना चाहिए था, वो मतलब फलाना ढिकाना, दे ऑलवेज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। वो आप कुछ भी कर लो, वो गलतियां ढूंढेंगे। आप इवन जान भी दे दो ना, तो देवल से ऐसे थोड़ी देनी थी। अगर आपने गर्दन काट के रख, ओहो 6 इंच पे नहीं काटना चाहिए था, 5 इंच पे काटना था, गलत कर दिया ना आपने। अगर कूद करके जान दे दी, तो ओहो जहर खा के जान देनी चाहिए थी कूद के। नहीं, मतलब आप उनके लिए कुछ भी करोगे ना, वो कंप्लेन ही करेंगे। दे आर हैविंग मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री होल्डर्स इन कंप्लेन। उन्होंने उसमें मास्टरी और अपना जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, सारी चीजें उसमें करके रखी हुई है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, ऐसे लोगों को ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना, और सिर्फ जीवन में एक फॉर्मूला अपनाना है, ओम इग्नोराय नमः। आप भी खुश, उसका पता नहीं। माइंड ऑलवेज रिमेम्बर यू आर नॉट परफेक्ट। आप और मैं भगवान नहीं हैं। हमेशा हम सभी लोगों को ये बातें समझनी होंगी। कई बार हम लोग अपने आप को इतना ज्यादा लिमिटेड कर देते हैं ना, एक गलती हो गई उस चीज के लिए हम इतना रिग्रेट हो जाते हैं, मुझसे ऐसा कैसे हो गया।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गिल्टी देन गिल्टी, और फिर फाइनली दे गेट इनटू डिप्रेशन, दे विल हैव टू सेंड ऑन रिहैबिलिटेशन और समथिंग एल्स। तो कभी भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आप अभी इंसान की योनि में हैं, आप सही जगह पे जा रहे हैं। नो बडी इज परफेक्ट, आप भगवान नहीं हो, सो लेट योर सेल्फ डू मिस्टेक्स। अपने आप को गलतियां करने दीजिए, बिकॉज जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं, आपको सुधार की गुंजाइश नहीं पता चलेगी। नो बडी इज बॉर्न परफेक्ट। एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो जब वो जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता है कि हाथ मारना है या पैर मारना है। वो कई बार अपनी मुट्ठियों को भींचता है ना, और कई बार अपने बालों के तक लेकर के जाकर अपने ही बाल उन मुट्ठियों में भींच लेता है और रोता रहता है, बिकॉज ही नेवर नो हाउ टू रिएक्ट। फिर उसे कुछ दिन बाद जब उसकी हाथों की हरकत उसके कंट्रोल में आती है, तब उसे लगता है कि नहीं, जब मैं यहाँ लेकर के जा रहा हूँ माथे पर, तब ये पकड़ आ रहा है, तब मुझे दर्द हो रहा है। देन ही धीरे धीरे वो चीज को फॉरगॉट करता है, भूलता जाता है। जब वो पहली बार चलना शुरू करता है, तो वो कई बार गिरता, फिर उठता है, फिर गिरता है। फाइनली वो जिस चीज से गिरता है ना, उस जगह को अवॉइड करता है। कई बार हम लोग छोटे बच्चों को नोटिस करते हैं ना, बच्चा बहुत तेजी से वॉकर लेकर के जाता है, और जैसे ही वो कॉर्नर आता है जिससे उससे कई बार चोट लगे, तब स्लाइटली टर्न लेता है। ही रियलाइज कि ये वही कॉर्नर है जहां पर मेरे को चोट लगती है। वो कितनी भी स्पीड में रहना, इतना जबरदस्त टर्न लेता है। वो अपनी गलतियों से सीख रहा है। और हम बड़े हो गए हैं, डजंट मीन कि हम भगवान हो गए हैं। तो अपने आप को हम सभी लोग गलतियां करने दें, बिकॉज अगर गलतियां कर रहे हैं तो हम प्रोग्रेसिव हैं, और गलतियां कर रहे हैं तो हम सक्सेस की राह पर हैं। गलतियां करने दीजिए, गलतियां हो रही हैं, अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप गलतियां करेंगे, और अपनी गलतियों से सीखते चलिए। ये नहीं कि गलतियां कर रहे हैं तो बस करते ही जा रहे हैं, ये भी नहीं जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो हम असुर प्रकृति के भी नहीं है कि खाली गलतियां ही करते रहेंगे। तो गलतियां करेंगी, लेकिन अगर गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों को स्वीकारते हुए, सुधार की गुंजाइश लेते हुए भी हम आगे बढ़ते रहें, बिकॉज टू एड इज ह्यूमन। इंसान गलतियों का पुतला है। इट इज नॉर्मल फॉर पीपल टू डू मिस्टेक्स। हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए ना बहुत जरूरी है कि वो गलतियां कर रहा है, और अगर वो गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है, वो अभी भगवान जी के पास पहुंचा नहीं है, और वो प्रोग्रेसिव है। और भगवान जी के पास नहीं पहुंचा है तो सक्सेस तक जरूर पहुंचेगा। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि मैंने कभी गलतियां नहीं की, दैट मीन्स दे नेवर टेक चांसेस, दे आर नेवर टेकिंग एनी रिस्क, दे आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग न्यू। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नया करने का नहीं सोचा, जिन्होंने कभी कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहिए। और जब रिस्क नहीं लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसी फेज में हैं जहां पर आप कंफर्ट जोन में हैं, और आप उस चीज को जान रहे हैं कि यहां मैं ये करूंगा तो गलतियां होंगी, तो आप उसे गलतियां होने ही नहीं देंगे। बट अगर हम कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो हम गलतियां करते हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम वहां पर गिरते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा, इस टाइप अगर हमारा मोमेंटम ज्यादा हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खींचना है, लेफ्ट में हो रहा है तो राइट में। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें एवरी टाइम इन सारी चीजों को नोटिस करना होता है, और फिर हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। तो ये वाला सेशन, एक जो हमारा स्मॉल मोटिवेशनल सेशन था, ये यहीं पे फिनिश होता है। और होपफुली सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये सेशन काफी जल्दी खत्म हो गया अब इसके बाद, क्योंकि मुझे बिजनेस प्लान भी लेना है, और ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी लोग फेस कर रहे हैं। और मेरे सेशंस मोस्टली बेस्ड होते हैं मेरे ट्रू फैक्ट स्टोरीज पर, जो मेरी अपनी अभी तक की छोटी सी लाइफ में मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं। और आप सभी लोगों को अगर मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, उस पर बेस्ड सेशंस अच्छे लगते हैं, तो आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एटॉमी वुमनिया के नाम से फॉलो कर सकते हैं। शिखा वर्मा, आप सभी लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि इतना मजेदार बिजनेस मिस्टर हैंगल पार्क सर ने हम लोगों को दिया, और अगर मैं बोलूं तो बाप रे, उफ, बिल्कुल पूरी थकान हो गई। और थकान में सबसे ज्यादा मुझे अगर कुछ मजा आता है ना, तो ये हमारा एटॉमी का रोज रेन मिस्टर।
क्या ही प्रोडक्ट इस कंपनी ने बना करके मुझे दिया है। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से मुझे यूज करते करते 2 से 2.5 महीना हो गया, एंड अभी मैं बताऊं तो ये मेरा सिर्फ इतना यूज हुआ है, बिकॉज इसमें छोटे छोटे पॉकेट्स के रूप में जो वो बंडल्स हैं जिसमें ये मिस्ट भरा हुआ है, इसको जब आप शेक करते हैं एंड देन यू आर स्प्रिंकल पे, ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं, आपके हेयर के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, इवन आप अगर कभी टायर्ड फील, मैं इसे हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, बिकॉज इसमें एसेंस का, टोनर का, न्यूट्रिशन क्रीम का पूरा पैकेज है। ये जो स्मॉल पैकेट्स है, नॉर्मली क्या होता है कई बार हम लोग जब स्प्रेज को यूज करते हैं ना तो सिर्फ इसी अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं, बट ये जो हमारा एटमी का रोजरिन मिस्ट है, अगर ये इस एंड पे भी आ जाएगा ना तो आप इसे इस पोजीशन पे भी अगर यूज करेंगे ना तो ये सेम फ्रिक्वेंसी पे आपको अपना स्प्रे प्रोवाइड करेगा। एंड बिल्कुल मस्ट से कि हमारा ये जो वेदर ह्यूमिडिटी वाला होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन आवर जो भी हमारा कॉम्प्लेक्शन होता है, बिकॉज बाहर में सनस्क्रीन आप लगा करके जाते हो, बट एवरी टाइम जब वो पसीना होता है ना आप उसको पोंछते हो, तो वो जो सनस्क्रीन है जितना अंदर एब्जॉर्ब हो चुका, बट जो बाहर आपके बार बार पोंछने से जो थोड़ा बहुत कंटेंट था वो निकल जाता है, तो कुछ 6 से 8 घंटे तो आप प्रोटेक्ट रहते हैं, देन वॉट अगर आप उससे बाहर हो, या तो फिर आप सनस्क्रीन को अप्लाई करो। बट मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बेस्ट होता है अगर मैं डार्कर शेड्स में कहीं हूँ, कहीं किसी शेल्टर्ड एरिया में हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेरा ये एटमिका रोज रेन मिस्ट बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, सभी लोग एक बार यूज करके देखिए। एंड भी डिटेल अगर चाहिए तो मेरे अटोमी वुमनिया चैनल पे जरूर हर एक प्रोडक्ट की डिटेल है, सभी लोग प्लीज विजिट करिए, वहां पर हर एक प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का नाम के साथ डिस्क्रिप्शन अगर लिखा है और 10 to 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन अगर है तो वो आप उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए देख सकते हैं, उसमें अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस भी हैं, और अगर आपको वो चैनल पसंद आता है तो प्लीज सपोर्ट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, बिकॉज मैंने मेरे चैनल को कभी भी किसी मतलब पैसों के लिए नहीं बनाया, मैंने ये सिर्फ इस सोच करके क्रिएट किया था कि जो शायद नॉलेज मेरे पास है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और टच वुड अभी बहुत सारे लोगों तक वो एक्सपीरियंस पहुंच रहा है, बट बहुत सारे लोग अभी नीडी हैं जिनको वो एक्सपीरियंस शेयर होना बाकी है, तो हम सभी लोग वो मीडियम बन सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने इतने पेशेंस के साथ पूरे सेशन को सुना, और ओवर टू द होस्ट एंड ओवर टू पवन सिंह। या सुशील Thank you.